हेलो बच्चे, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर इक्विसिटम रिप्रोडक्शन। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इक्विसिटम, इट्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इक्विसिटम एंड हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट हैपन्स बाय बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और रीजेनरेशन भी कहा जा सकता है इसको। तो इसमें होता क्या है, ओल्डर स्टेम्स हैं या ब्रांचेस हैं वो डाई हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और आगे के जो नोड्स हैं, जो यंगर नोड्स हैं, वहाँ पर उनमें एबिलिटी होती है कि वो नया प्लांट जो है ग्रो कर सके। नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो उनमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो रीजेनरेट कर सकते हैं और नया स्पोरोफिटिक प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबर्स बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम है, एंड दे बियर स्पेशल स्ट्रक्चर्स। जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बियर करती हैं, और वो नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं, और वो जहाँ पर ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस अराइज होती हैं वर्ल्ड में, वहाँ पर वो अराइज होते हैं और ट्यूबर कहलाते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड ऑन अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। दे आर राउंड विद ब्राउनिश थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटिस कवरिंग होगी उनकी, ठीक है, और इनसाइड जो होगा उस ट्यूबर का वो थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटिस सेल्स का बना होगा, और पेरेनकाइमेटिस सेल्स जो है वो स्टार्च से फिल्ड होंगे। और डिटैच होने के बाद, राइजोम से डिटैच होने के बाद अनफेवरेबल कंडीशंस को वो पेरिनेट कर सकते हैं, और फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर ग्रो कर सकते हैं न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन यहाँ पर स्टेजेस में हो रहा है। जैसे आपको अगर ध्यान हो, स्लेजनेला में भी हमने तीन स्टेजेस पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, थ्री स्टेजेस में होगा। सबसे पहली स्टेज जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स है, ठीक है। स्पोर्स होमोस्पोर टाइप के स्पोर्स होंगे यहाँ पर, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, और वो स्पोरेंजिया स्पेशल ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं, और वो ब्रांचेस स्पोरेंजियोफोर्स कहलाती हैं। और स्पोरेंजियोफोर्स जो है एक एरियल स्टेम का जो सेंट्रल एक्सिस है, एरियल स्टेम का जो एक्सिस है उसके ऊपर, उसके टर्मिनल पार्ट पर ये अराइज होती है, ठीक है, और काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। तो कैसे, कहाँ पर कैसे होगा इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन, डेवलप कहाँ पर होंगी, इनकी पोजीशन क्या होगी। जो एरियल स्टेम है उसका जो टर्मिनल पार्ट है, वहाँ पर जो एक्सिस है, उसके टर्मिनल जो एक्सिस है वहाँ पर जो है ये स्पोरेंजियोफोर्स उस पर डेवलप होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और हर स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होता है, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोर्स, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरेंजियोफोर्स हैं, वो पूरा मिलकर एक स्ट्रोबिलाई या कोन बनाता है एरियल स्टेम के ऊपर टर्मिनल पोजीशन। स्ट्रोबिलाई जो है वो टर्मिनली बॉन्ड करेगा, ठीक है, और सिंगली होगा, यूजुअली सिंगल होता है, कुछ में ब्रांचिंग भी हो जाती है। जो एरियल स्टेम होती है वहाँ पर नोड जो होती है वहाँ पर ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग होने से वहाँ पर मोर देन वन स्ट्रोबिलाई वहाँ पर अराइज हो सकते हैं ब्रांचेस पर, और एरियल स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। फिर इट हैज़ अ थिक इरेक्ट सेंट्रल एक्सिस। जो स्ट्रोबिलाई या कोन है इसका एक सेंट्रल एक्सिस होगा जो कि थिक होगा, जो एरियल स्टेम का ही एक्सिस है एक तरह से, ठीक है, और उस एक्सिस पर स्पोरेंजियोफोर जो है परपेंडिकुलरली डेवलप होते हैं। यहाँ ये देख सकते हो डायग्राम बनाया है, जो एक वर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल एक्सिस है स्ट्रोबिलाई का, और इस पर परपेंडिकुलरली जो है
स्पोरेंजियोफोर बन रहा है। नीचे एक स्पोरेंजियोफोर का डायग्राम है। स्पोरेंजियोफोर का कैसा स्ट्रक्चर होगा? इट इज एन अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर जिसका एक स्टॉक है, यहाँ देख सकते हो नीचे वाले डायग्राम में एक स्टॉक होता है जो उसको एक्सिस से अटैच करता है, और एक डिस्क होती है, अम्ब्रेला शेप्ड डिस्क होती है। ठीक है, तो जो स्पोरेंजिया है वो उस अम्ब्रेला शेप्ड डिस्क के ऊपर जो मरून कलर के यहाँ पर ओवल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो स्पोरेंजिया है। वो कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं? डिस्क के नीचे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जो अम्ब्रेला शेप डिस्क थी, फ्लैट डिस्क, उस पर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और स्टॉक जो है स्पोरेंजियोफोर को सेंट्रल एक्सिस से, कोन का जो सेंट्रल एक्सिस है उससे अटैच करता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये एरियल स्टेम है ब्राउन कलर की, लीव्स हैं, नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं इस पर, और ऊपर टर्मिनल पार्ट पर एक स्ट्रोबलाय या कोन है। ठीक है, उस कोन में क्या है? स्पोरेंजियोफोर्स है, और स्पोरेंजियोफोर्स के नीचे, स्पोरेंजियोफोर्स यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहे हैं? फ्लैट डिस्क, ये जो मरून कलर की बहुत सारी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये स्पोरेंजियोफोर्स है, और उन स्पोरेंजियोफोर्स के नीचे व्हाइट कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो स्पोरेंजिया हैं। ये एक्चुअल में ओपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर है कोन का। ठीक है, और सबसे नीचे बेस पर एन्यूलस प्रेजेंट होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो बेस पर, वो एन्यूलस है। ठीक है, दिस इज हाउ अ कोन और स्ट्रोबलाय ऑफ इक्विसिटिव लुक्स लाइक। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सेक्शन ऑफ अ कोन, इक्विसिटम कोन। तो ये कैसा होगा? अगर हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होगी एक तो। ठीक है, और जो ए डायग्राम है वो लॉन्गिट्यूडल या वर्टिकल सेक्शन है इसका, स्पोरेंजिया का, सॉरी कोन का। ठीक है, ये एक कोन है और उसका वर्टिकल सेक्शन है एलएस, या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कह सकते हैं इसको, और इस पर परपेंडिकुलरली स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, ए डायग्राम को देखना, सेंटर में एक लंबा एक्सिस है, थिक सेंट्रल एक्सिस है, और उस सेंट्रल एक्सिस पर परपेंडिकुलरली स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, और स्पोरेंजियोफोर्स की एक स्टॉक है। ठीक है, और स्टॉक जो है एंड करती है एक डिस्क में, पेल्टेट डिस्क जिसको कह सकते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड डिस्क है, और उस अम्ब्रेला शेप्ड डिस्क के पीछे जो है स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया अराइज कर रहे हैं। उनकी वॉल प्रेजेंट है यहाँ पर येलोइश कलर की, और सेंटर में स्पोरेंजिया है जिसमें कि स्पोर्स बने हुए हैं, बहुत सारे डॉट लाइक ब्लैक डॉट जो है वो स्पोर्स। ठीक है, ए जो था वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था स्ट्रोबलाय का, और जो बी है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है एक स्ट्रोबलाय का। दोनों में अरेंजमेंट कैसी है? सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है स्पोरेंजियोफोर डेवलप होता है। अब हम देखते हैं स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। जो स्पोरेंजिया है इट डेवलप्स ऑन द इनर फेस ऑफ स्पोरेंजियोफोरल डिस्क। यहाँ पर देखो ये क्या है, आउटर मोस्ट पेल्टेट डिस्क या स्पोरेंजियोफोरल डिस्क, उसके बाद एक स्टॉक है उस डिस्क के नीचे, और स्टॉक उसको सेंट्रल एक्सिस से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो डिस्क है उससे अंदर की तरफ स्पोरेंजिया उसमें डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, हर डिस्क के साथ दो दो स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं, येलोइश ग्रीन कलर की उसकी बॉल है, और सेंटर में ब्लूइश कलर का स्पोरेंजिया है जिसमें ब्लैक कलर के स्पोर्स हैं। ठीक है, तो ये इनर जो साइड है वहां पर डेवलप होता है स्पोरेंजिया। इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप की होती है। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इनिशियल्स जो हैं, तीन चार सेल मिलकर जो हैं स्पोरेंजिया बनाते हैं। ठीक है, और लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट में एक ही सेल में डिविजन होगी और फिर वो जो है प्रॉपर स्पोरेंजिया बनाता है। यूस्पोरेंजिएट में तीन चार सेल मिलकर
डिविजन्स करते हैं और अलग अलग लेयर्स और स्पोरिंजिया का स्ट्रक्चर और स्पोर्स जो है एक स्पोरिंजिया के अंदर जो होते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग, वो तीन चार सेल मिलकर वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स अपने अपने डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, कि ये वाला सेल ये बनाएगा, ये इनिशियल ये बनाएगा और ये इनिशियल तीसरा इनिशियल ये बनाएगा, इस तरह से। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और राउंड एंड सिलेंड्रिकल शेप में होता है। टू टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, आउटर सिंपल वॉल लेयर होती है और इनर टेप्टम होती है, और स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉयड होमोस्पोर्स जो है वो बनते हैं। हैप्लॉयड होमोस्पोर्स जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्रीन कलर का स्पोर होगा, लार्ज होगा साइज में, स्फेरिकल शेप में होगा, और इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यूनिन्यूक्लिएट होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें लिपोप्रोटीन्स, लिपिड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर की वॉल जो होती है वो फोर लेयर्ड होगी, इनर मोस्ट जो है थिन एंडोस्पोर होगी, उसके बाद एंडोस्पोर के बाहर एक्सोस्पोर होगी, और एक्सोस्पोर के ऊपर क्यूटिकुलर लेयर प्रेजेंट होगी एक, और आउटर मोस्ट जो है एपिस्पोर वॉल प्रेजेंट होगी। एपिस्पोर वॉल जो है उससे इलेटर्स डेवलप होते हैं। इलेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पर फोर आर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो येलोइश कलर के फोर आर्म स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक एन एक्स, एक पॉइंट पर ये अटैच्ड होते हैं, और अराइज कहाँ से होते हैं, आउटर मोस्ट एपिस्पोर जो वॉल लेयर है उससे अराइज होते हैं, और इनकी एंडिंग्स जो होती हैं स्पून लाइक एंडिंग होती है, और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इनका, और जैसे ये मॉइस्चर गेन करते हैं ये ओपन हो जाते हैं, और जब मॉइस्चर नहीं होता ये स्पोर के चारों तरफ कॉइल हो जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये डिस्पर्सल एंड डिहाइसेंस में, डिहाइसेंस एंड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं वाटर एब्जॉर्ब करके, और एक तरह से जो इलेटर है वो कॉइल एंड अनकॉइल होकर मूवमेंट में डिस्पर्सल में हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोरेंजियोफोर का एक स्ट्रक्चर, ये एक स्पोरेंजियोफोर है जिसकी ऊपर डिस्क है स्पोरेंजियोफोर की, नीचे स्टॉक है जो उसको अटैच करती है सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है, और दो तरह की लेयर्स प्रेजेंट होंगी वॉल लेयर्स, और एक सबसे इनर मोस्ट जो है टिप्टम प्रेजेंट होगी, और इसके अंदर ग्रीन कलर के जो है स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है जिनमें मियोसिस होगी, और वो सिंपल स्पोर्स जो है वो फिर हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये एक अनओपन्ड यंग कोन जो है या यंग स्ट्रोबिलाई जो है वो है, पेल्टेट डिस्क है, पेंडेंट लाइक, इस पेल्टेट क्यों कहा जाता है, पेंडेंट लाइक हैंगिंग स्पोरेंजिया होते हैं इसलिए उसको पेल्टेट डिस्क कहा जाता है। पॉलीगोनल शेप होती है डिस्क की, अम्ब्रेला जैसी होती है और पॉलीगोनल होती है, और ये अभी यंग स्टेज है, ठीक है, और यहाँ देख सकते हो ये ओपन स्टेज है, मैच्योर स्टेज है स्ट्रोबिलाई की, जो ब्राउनिश या मरूनिश कलर के जो डिस्क फ्लैट सरफेस दिख रहे हैं बहुत सारे, वो स्पोरेंजियोफोर की डिस्क है, और वो परपेंडिकुलरली बॉर्न हो रही है सेंट्रल एक्सिस पर, ठीक है, और जो वाइट कलर के ओवल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो निकल रहे हैं स्पोरेंजियोफोर की डिस्क के नीचे से अंदर की तरफ, वो स्पोरेंजिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्पोर का स्ट्रक्चर, जो स्पोर है वो ग्रीन कलर का है, और इलेटर्स जो हैं जब ड्राई होते हैं वो स्पोर के चारों तरफ कॉइल्ड होते हैं, और जब वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो अनकॉइल हो जाते हैं। ये लो एक तरह से इनर सरफेस है स्पोरेंजियोफोर का, डिस्क है, डिस्क के अंदर की तरफ स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, और ये स्पोरेंजियम जो है लॉन्गिट्यूडनल डिहाइसेंस से, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस प्रेजेंट होती है, उसके अलॉन्ग जो है डिहाइसेंस होती है, और स्पोर्स जो है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट से रिलीज होते हैं।
लाइन ऑफ डिहाइसेंस पे थिन सेल्स होते हैं और वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, जब ड्राई कंडीशंस होती है वो श्रिवल करते हैं और इजीली ब्रेक कर जाते हैं और हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट से स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। अब बात आती है सेकेंड स्टेज जो कि है गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन स्पोर्स से, ठीक है, होमोस्पोर्स गेमिटोफाइट में जर्मिनेट करते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। जो गेमिटोफाइट है वो प्रोथेलस भी कहलाता है बिकॉज इट इज अ थैलॉइड स्ट्रक्चर विदाउट वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम और लीफ। और स्मॉल, तीन तरह का प्रोथेलस हो सकता है, स्मॉल लाइट ग्रीन या येलोइश कलर का, एलोंगेटेड होगा एंड ब्रांच्ड होगा, वो सिर्फ एंथ्रीडिया बनाएगा। मैसिव डीप ग्रीन कलर का जो प्रोथेलाई होगा वो सिर्फ आर्किंगोनिया बनाएगा। या फिर तीसरे टाइप का प्रोथेलाई भी होता है, थिक एंड मैसिव, वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी एंथ्रीडिया एंड आर्किंगोनिया दोनों ही बनाता है, ठीक है। और हर प्रोथेलिस जो होता है उसका दो, उसके दो रीजन्स या जोन्स होते हैं। एक तो बेसल जोन होगा जो कि फ्लैट कुशन लाइक होगा जिसको हम डिस्क कहेंगे, और अपर रीजन होगा जो कि वर्टिकली एलोंगेटेड ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे उसमें और वो ग्रीन कलर की होंगी और उसको हम लोब्स कहेंगे, ठीक है, वर्टिकल इरेक्ट लोब्स प्रेजेंट होंगे वहां पर अपर पोर्शन में। और जो बेसल होगा वो डिस्क लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। तो जो डिस्क है वो कैसी होगी, मैसिव होगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स की होगी और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सेल्स स्टार्च से फिल्ड होंगे, स्मूथ वॉल्ड होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। और जो डिस्क है वो अनब्रांच्ड होगी, हायलिन राइजॉइड्स जो है वो अराइज होते हैं डिस्क के वेंट्रल सरफेस से और वो हेल्प करते हैं जो गेमिटोफाइट है या प्रोथेला है उसको सबस्ट्रेट से अटैच होने में, फिक्स होने में। और इसका नेचर जो होता है मेरिस्टमैटिक नेचर होता है, डिस्क की जो सेल्स हैं उनमें मेरिस्टमैटिक एबिलिटी होती है। फिर बात आती है डिस्क के ऊपर अपर लोब्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, मतलब उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं गेमिटोफाइट के लिए, और ब्रॉड होते हैं जो लोब्स हैं वो बेस से ब्रॉड होते हैं और एंड्स पर नैरो हो जाते हैं। और एंथ्रीडिया जो है वो इरेक्ट लोब्स जो थे, अपर लोब्स या इरेक्ट लोब्स जो थे उनके बेसिकली एपेक्स पर ओरिजिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं, जबकि आर्किगोनिया जो है वो मेरिस्टमेटिक रीजन जो था डिस्क वाला वहाँ पर डेवलप होते हैं। और बोथ सेक्स ऑर्गन्स ऑन सेम प्रोथेलिस डेवलप एट डिफरेंट टाइम्स, आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया अगर एक ही प्रोथेलिस पर बनते हैं तो वो अलग अलग टाइम पर डेवलप होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स, दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही टाइम पर एक प्रोथेला पे डेवलप नहीं होते। यहाँ पर आप देख सकते हो ये होमोस्पोर से स्टार्टिंग है और प्रोथेला कैसे बन रहा है उसकी स्टेजेस हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट वॉल है वो तो एपिस्पोर है और उससे जो है स्पून शेप्ड इलेटर्स निकलते हैं। मिडल लेयर जो है जब जर्मिनेट करना होता है मिडल लेयर ब्रेक कर जाती है, उसमें से फिर स्पोर सिर्फ इनर वॉल के साथ प्रेजेंट रहता है और उसमें फिर सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, राइजोइडल सेल बनता है उसमें, फिर शू ऊपर का अपर सिस्टम बनता है और दो रीजन्स में ये डिवाइड हो जाता है। अपर लोब्स वाला रीजन हो जाता है फिलामेंटस लोब्स जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और लोअर फ्लैट सेल्यूलर कुशन लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बेसल रीजन होता है। एंथ्रीडिया जो होंगे वो लोब्स पर ऊपर की तरफ डेवलप होंगे और आर्किगोनिया जो है सेलुलर कुशन पर या बेसल डिस्क पर आर्किगोनिया जो है डेवलप होते हैं और सबसे नीचे राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उस डिस्क के जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फिक्सेशन में हेल्प करते हैं टू द सबस्ट्रेट।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंथ्रीडिया लोब्स के ऊपर डेवलप होंगे, आर्किगोनिया डिस्क पे डेवलप होंगे, और इन दोनों का डेवलप टाइम ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होगा अगर ये एक ही प्रोथैलाइट पर डेवलप होते हैं तो। अब देखते हैं आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आर्किगोनियम जो है इट डेवलप्स एम्बेडेड ऑन बेसल डोर्सल सरफेस ऑफ प्रोथेलियल डिस्क। जो प्रोथेलस है उसका जो बेसल रीजन है उसके ऊपर डेवलप होते हैं, जहाँ राइजोइड निकल रहे हैं वहाँ नहीं डेवलप होंगे, ऊपर वाले सरफेस पर जो है डिस्क के डेवलप होते हैं। यहाँ देख सकते हो आर्किगोनिया जो है ऊपर डेवलप हो रहा है, नीचे की तरफ जहाँ राइजोइड है वहाँ डेवलप नहीं होता। ठीक है, जो नेक है वो प्रोजेक्ट आउट करती है, बाहर की तरफ निकली होती है। ठीक है, और जो बूट शेप्ड नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें दो, एक सिंगल वेंट्रल कैनाल सेल होता है और एक लार्ज एग होता है। एग और वेंट्रल कैनाल सेल जो होता है वो जो डिस्क था उसमें एम्बेडेड रहता है, और जो नेक कैनाल सेल्स है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होता है। यहाँ आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। एग और वेंट्रल कैनाल सेल्स जो है वो नीचे हैं, सरफेस से नीचे हैं, जबकि नेक कैनाल सेल्स जो है वो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो नेक कैनाल सेल्स बाहर की तरफ कर्व हो जाते हैं ताकि इजीली पैसेज जो है बन सके। ठीक है, अब आती है एंथ्रीडिया की बात। एंथ्रीडिया जो है वो ऑरेंजिश रेड कलर में होता है, एक्रोपेटल सक्सेशन में वो अराइज होता है इरेक्ट लोब्स के ऊपर, और दे मे बी लार्ज एम्बेडेड टाइप और स्मॉल प्रोजेक्टिंग टाइप। अगर छोटे होंगे तो वो बाहर की तरफ उभरे हुए सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, और अगर वो लार्ज स्ट्रक्चर होंगे एंथ्रीडिया तो वो लोब्स के अंदर एम्बेडेड होंगे। ठीक है, और ईच एंथ्रीडियम क्या है, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 to 5 सेल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और सिंगल लेयर 3 to 5 सेल्ड जिसकी आउटर मोस्ट जैकेट की कवरिंग होती है। ठीक है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और कवरिंग एक जैकेट होती है स्टराइल जैकेट सिंगल लेयर की 3 से 5 सेल्स की। ठीक है, और अंदर उसके एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होंगे, और हर एंथ्रोजॉइड जो है वो लॉन्ग स्पायरली कॉइल्ड होगा जिसमें एक एंटीरियर क्राउन होगा, 3 रीजन होंगे उसके, 3 जोन्स होंगे। एंटीरियर क्राउन जोन होगा जिसमें बहुत सारे फ्लैजेला होंगे, ऑलमोस्ट 100 के अराउंड फ्लैजेला होते हैं। सेंट्रल रीजन जो होगा वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वहाँ पर, और पोस्टीरियर जो है वेसाइकल प्रेजेंट होगा। इसके बाद थर्ड, यहाँ पर हम पहले बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैकेट लेयर है, इसमें काउंट कर सकते हो 3 to 5 सेल्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और सेंटर में एंड्रोसाइट्स या एंथ्रोजॉइड्स का मास प्रेजेंट होता है, और साइड में आप स्ट्रक्चर देख सकते हो एक एंथ्रोजॉइड का। एंटीरियर सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्राउन है जिस पर बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, कॉइल्ड होता है ये स्ट्रक्चर। बीच का रीजन जो होगा वहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और पोस्टीरियर रीजन प्रेजेंट होता है एक जिसमें वेसाइकल होता है। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ये नेक कैनाल सेल्स डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, वेंट्रल कैनाल सेल भी डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, और एक पैसेज बन जाएगा। जो बी डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो क्लियरली एक पैसेज बन गया है जिसमें कि एंथ्रोजॉइड्स स्विम करके जा सकता है। फिर इस स्विम करके जब वो एग को एग के पास पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन से फिर डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो बन जाता है। डिप्लॉयड जाइगोट कुछ डिविजन्स एंड मल्टीप्लीकेशन के बाद एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और जब वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा होता है तो वेंटर सेल्स जो थे वो, वेंटर कैनाल सेल की बात नहीं हो रही यहाँ, वेंटर सेल की बात हो रही है। वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, जबकि वेंटर सेल जो है वो क्या होता है, कवरिंग होती है। जैसे नेक सेल है ऐसे ही नीचे की तरफ एग को कौन कवर करके रखता है, वेंटर सेल्स। तो वो वेंटर सेल्स एक कवरिंग बनाते हैं। ठीक है,
दो या दो से ज्यादा सेल्स की लेयर की कवरिंग होती है और वो कैलिप्ट्रा कहलाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जाइगोट बना है और ये एच में देखो आप एम्ब्रियो यहाँ पे बन गया है, ठीक है। और लाइट ग्रीन कलर का तो गेमिटोफाइट है, स्ट्रक्चर है प्रोथेलाई है, और एक डार्क ग्रीन कलर की लेयर है वो कैलेक्ट्रा है, और सेंटर में एम्ब्रियो है लाइट बिल्कुल लेमनिश या लाइट ग्रीन कलर का। ये यहाँ पर एम्ब्रियो का एक स्ट्रक्चर है। ऊपर की जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है वो एक्सोस्कोपिक होती है, एंडोस्कोपिक नहीं होती। एक्सोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि जो शूट है वो आर्किगोनियम का जो माउथ था उसकी तरफ प्रेजेंट है, स्टेम का एपेक्स जो है वो ओपनिंग जो होती है माउथ जो है आर्किगोनिया का उसकी तरफ पॉइंटेड है, तो वो एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट कहलाती है। अगर स्लेजिनेला का याद हो तो स्लेजिनेला में ये शूट एपेक्स जो था इस माउथ से ओपनिंग से अवे था, इसलिए वो एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट थी उसमें, ठीक है। और प्रॉपर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, लीव्स होंगे, शूट एपेक्स होगी और नीचे की तरफ रूट प्रेजेंट होगी, ठीक है। गैमेटोफाइट से अटैच्ड ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से जो है नोड्स एंड इंटरनोड्स बनने स्टार्ट होती है और इनमें लीव्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे रूट जो प्राइमरी रूट है वो स्टार्टिंग में कुछ टाइम डेवलप होने के बाद स्टॉप कर देती है डेवलपमेंट, और एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो फंक्शन को टेक ओवर कर लेती है और प्राइम जो रूट सिस्टम है उसको टेक ओवर कर लेती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि किस तरह से नया स्पोरोफाइट डेवलप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइफ साइकिल देख सकते हो कि क्विसेटम की लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो सबसे पहले तो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के ऊपर स्ट्रोबिलाई बनते हैं, स्ट्रोबिलाई में स्पोरेंजिया फोर होते हैं, स्पोरेंजिया फोर के ऊपर अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं होमोस्पोर्स, और होमोस्पोर्स जो है गेमिटोफाइट में डेवलप होते हैं, गेमिटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनते हैं, और एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं और आर्किगोनिया के अंदर एग बनता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है और उसके बाद स्पोरोफाइट पहले एम्ब्रियो बनता है और फिर नया स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड इट्स लाइफ साइकिल। सो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है एक्विसेटम का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टेरेस की स्टडी होगी, और अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।